दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपको अगर कोई गूगल पे सर्च करे तो कुछ इस तरीके से आपका फोटो वहाँ पे जो उसको दिख जाए, अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गूगल ब्राउजर पे अपना फोटो डालने के लिए क्या प्रोसेस होता है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, गूगल में फोटो डालने का प्रोसेस बताऊंगा यहाँ पे, उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा गाइस। यहाँ पे मैं सबसे पहले गूगल में जाके आपको मेरा नाम जो है सर्च करके यहाँ पे बता देता हूँ गाइस, बाबुल हुसैन। जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे जो है मेरा सारा का सारा फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, कि सारा फोटोज यहाँ पे मुझे दिख गया, जितना भी मैंने फोटोज अपलोड किया हुआ जहाँ भी है गाइस मेरे नाम से ये फोटो जो है अपलोडेड है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जैसे विजिट करोगे तो ये फोटो जो है कहाँ से डाउनलोड हुआ, कहाँ से अपलोड हुआ, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फोटो आपका किसी को अच्छा लगा वो डाउनलोड भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। जैसे कि हम लोग कहीं भी गूगल से डाउनलोड करते हैं तो ये काम कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है आपको। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है गाइस लिंक्डइन, LinkedIn, लिंक्डइन ऐसा कुछ सर्च करना है। और यहाँ पे सबसे ऊपर जो लिंक आएगा गाइस उसी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने जो यहाँ पे आएगा साइन इन का ऑप्शन, तो आपके यहाँ पे साइन इन नहीं करना है, यहाँ पे आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको न्यू टू लिंक्डइन ज्वाइन नाउ, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी आपका ईमेल, फ़ोन नंबर या फिर पासवर्ड देके आप यहाँ पे सबमिट करके कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जो है लॉगिन कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट से अगर करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा का सारा गूगल अकाउंट जो भी है आपका वो देखने को मिल जाएगा। जो भी अकाउंट से आप लिंक यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। वो करने के बाद आपको देखने को मिलेगा इसकी यहाँ पे जो आपका ऑटोमेटिकली साइन इन हो रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि अपने अभी जो फ़ोन नंबर मांग रहा है तो स्किप कर देंगे, या फिर आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इस फ़ोन नंबर नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद आपका लिंक्डइन का जो आईडी होगा आपके सामने हाजिर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ जो है आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे पहले। उसके बाद जो है ये आपका अपना जो भी पोस्ट है गाइस वो अपलोड कर सकते हो, अपना फोटो अपलोड कर सकते हो, स्टेटस अपलोड कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिला। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना प्रोफाइल भी देख सकते हो गाइस। यहाँ पे प्रोफाइल पे आप जो है यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलता है ऑप्शन, तो ये कुछ नहीं करना है आपको। आप सबसे पहले यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट या फिर फीड्स का, पोस्ट का, यहाँ पे पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जो है कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर जो आपका जो भी गैलरी होगा इस आपको डायरेक्टली गैलरी में रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी फोटो अपलोड करना है गूगल में वही फोटो आपको यहाँ पे लिंक्डइन में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चलिए हम लोग कोई भी एक फोटो सेलेक्ट करते हैं, ये वाला फोटो। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे फोटो में कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख देना बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ गाइस, चले ओके सिटी सेंटर में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट का एक ऑप्शन है तो पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है आपका जो भी लोडिंग होगा गाइस, थोड़ा सा अपलोडिंग होने के बाद आपका जो भी पोस्ट है गाइस वो आपको अपने सामने जो है यहाँ पे दिख जाएगा नीचे की तरफ। चलिए मैं आपको चल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आपका। लेकिन आप जैसे गूगल में सर्च करोगे अभी आपको नहीं मिलने वाला है, ये जो है 8 आवर्स या फिर 24 आवर्स के बाद ये जो है गूगल में अपडेट होता है। तो अभी जो है आपको गूगल में नहीं मिलने वाला, अगर अभी आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा आपको, 8 घंटे या फिर 24 घंटे के बाद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर देना। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखो उसका सोल्यूशन आपको बिल्कुल मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बी सोशल।